सावली पासेना गोठड़ा गामे सावली मामलतदार अने पुरवठा मामलतदार सहितनी टीम साथे गाममां वसवाट करता रेशन कार्ड धारकोना रेशन कार्डनी खराई करी रीसर्वेनी कामगीरीनी शुरुआत करी हती। खरेखरमां सरकारना अनाजना जत्था सहितना लाभो योग्य लाभार्थी सुधी पहोंचे ते आश्रयथी रीसर्वेनी कामगीरी हाथ धरी हती। सरकार तरफथी प्रतिमास जरूरियातवाळा कुटुंबोने सरकारी अनाज वितरण करता दुकानदारोने त्यांथी मळतो अनाजनो जत्थो सहितना आर्थिक लाभो जरूरियातवाळा लाभार्थीने मळे ते आशयथी आयोजन करातुं होय छे। त्यारे वडोदरा जिल्ला कलेक्टरे सावली पासेना गोठडा गामे सरप्राइज विजिट करी हती अने सावली मामलतदारने रेशन कार्डना रीसर्वेनी कामगीरी करवा सूचन कर्युं हतुं। ते आधारे मामलतदार ए के भाटिया, नायब मामलतदार पुरवठा बीपी बारिया सहितनी टीमे गोठडा सरपंच मोहम्मद अली सैयद, तलाटी कमलेश वढेरिया ने साथे राखी घरे घरे जई रेशन कार्डना रीसर्वेनी कामगीरी कराई हती। पुरवठा मामलतदारना जणाव्या मुजब जे लाभार्थी चार व्हीलनू वाहन धरावता होय तेमज बे माळनू पाक्कू मकान धरावता होय अने सात एकरथी वधु जमीन धरावता होय छताय एनएसएफनू रेशन कार्ड होय तेमना रेशन कार्ड નોન એનએસએફમાં તબદીલ કરી ખરેખરા રહી ગયેલા અને સરકારી મળવાપાત્ર લાભોથી વંચિતોને નવા રેશન કાર્ડ આપવાની સર્વે કરાયા હોવાનું જણાવ્યું હતું। તારીખ 13/3/2022 રોજ મહેરબાન માનનીય કલેક્ટર સાહેબ સાવલી ગામના ગોઠડા ગામે મુલાકાત લેવામાં આવેલી। मुलाकात दरमियान मेहरबान कलेक्टर साहेब वडोदराए सूचना आपवामां आव्या मुजब आज रोज अमारो मामलतदार कचेरीनो स्टाफ तथा मामलतदार साहेब साथे टीम साथे अमे गोठडा गामनी मुलाकात लई सर्वे अंगेनी कामगीरी हाथ धरवामां आवेली छे। सर्वेनी अंदर जे लोको रेशन कार्ड बाबतमां जे लोको चार पैड़ावाळुं वाहन धरावता होय, मोटुं पाकुं बे माळवाळुं मकान धरावता होय, सात एकर थी वधारे जमीन धरावता होय अने ए लोको आवा प्रकारनो लाभ लई रह्या होय तेवा लोकोनुं सर्वे करी अने तेमनुं रेशन कार्ड हालमां एनएसएफए चालतुं होय तो नॉन एनएसएफए करवानुं, कमी करीने नॉन एनएसएफए करवानुं अने जे गरीब रेशन कार्ड धारको छे अने जेमने आ एनएसएफएनुं अनाज मळतुं नथी तेवा तमाम गरीब वर्गना लोकोनी मुलाकात लई जेने खरेखर आ लाभ आपवा पात्र छे तेवा लोकोने आवा लोकोने मोटा लोकोना रेशन कार्ड कमी करीने तेवा गरीब लोकोने रेशन कार्ड आपवा अंगेनी अमे कामगीरी शुरू करवामां आवेली छे। इकबाल पठाण, लाइव गुजरात न्यूज, सावली।